छोटे छोटे किरदारों से बड़ा नाम बनाने वाले रघुवीर यादव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और डिजाइनर यानी मल्टी टैलेंटेड रघुवीर की फिल्म न्यूटन को हाल ही में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये रघुवीर की पहली नहीं बल्कि 8वीं फिल्म है जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। इससे पहले उनकी 7 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। न्यूटन 2017, कहानी नूतन कुमार राजकुमार राव की है, जो 10वीं बोर्ड के एग्जाम में दौरान अपना नाम बदलकर न्यूटन कर लेता है। बाद में वो फिजिक्स से MSc करता है और इलेक्शन बोर्ड में काम करने लगता है। इसी बीच उनकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ के जंगली इलाके में वोटिंग के लिए लगाई जाती है। ये ऐसा इलाका होता है जहां कभी भी वोटिंग नहीं हुई। लोकनाथ रघुवीर यादव के साथ पूरी टीम इलाके में जाती है। पुलिस आत्मा सिंह पंकज त्रिपाठी टीम की मौजूदगी में वोटिंग की कोशिश करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कोई वोटिंग के लिए नहीं आएगा, मगर न्यूटन को विश्वास रहता है कि वोटिंग होगी। कुछ वक्त के बाद चीजें बदलती हैं और एक खास तरह का रिजल्ट सामने आता है। पीपली लाइव 2010, फिल्म में रघुवीर के अलावा ओंकार दास मानिकपुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह भी मुख्य किरदार में थे। फिल्म की कहानी नथा, ओंकार दास मानिकपुरी और उसके बड़े भाई बुद्धिया रघुवीर यादव के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मुसीबतों के चलते बुद्धिया नथा को आत्महत्या की सलाह देता है ताकि पैसा आ जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वाटर 2005, 2005 में आई दीपा मेहता की फिल्म वाटर भी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। ये फिल्म विधवा महिलाओं की जिंदगी पर आधारित थी। इस फिल्म में रघुवीर के साथ साथ जॉन अब्राहम, लीजा रे, सीमा और वहीदा रहमान मुख्य किरदार में थे। रघुवीर ने गुलाबी का किरदार निभाया था। लगान 2001, आमिर खान की फिल्म लगान में एक गांव की कहानी थी जो सूखे से जूझ रहा था। ऐसे में जब गांव के किसान ब्रिटिश अफसर के पास जाते हैं तो वो लगान माफ करने के लिए एक शर्त रख देते हैं। शर्त होती है क्रिकेट की। अफसर शर्त रखते हैं कि अगर किसान उन्हें क्रिकेट में हरा देते हैं तो उनका लगान माफ हो जाएगा, लेकिन अगर हार गए तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा। फिल्म में रघुवीर ने भूरा का किरदार निभाया था। बैंडिट क्वीन 1994, फिल्म बैंडिट क्वीन को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का 67वां अकेडमी अवार्ड मिला था। ये फिल्म डकैत फूलन देवी की जिंदगी पर बनी थी। फिल्म में फूलन का किरदार सीमा बिस्वास ने निभाया था। वहीं फिल्म को शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म अपनी स्टोरी के चलते कई आलोचनाओं की शिकार भी हुई और फूलन ने खुद भी इस फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया था, लेकिन फिल्म को न्यायालय से स्वीकृति मिलने के बाद इसे रिलीज किया गया था। फिल्म में रघुवीर ने माधव का किरदार निभाया था। रुदाली 1993, फिल्म रुदाली को कल्पना लाजमी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी राजस्थान के एक गांव की थी, जिसमें गांव की एक महिला उसके पति के मरने के बाद अपने बेटी को भी छोड़ देती है। फिल्म में रघुवीर ने एक बुद्धवा का किरदार निभाया था। सलाम बॉम्बे 1988, दशमीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे भी 1989 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इस फिल्म में रघुवीर यादव ने एक ड्रग एडिक्ट का किरदार निभाया था। फिल्म में रघुवीर के साथ इरफान खान, चंदा शर्मा, नाना पाटेकर भी मुख्य किरदार में थे। 1947 अर्थ 1998, फिल्म में आमिर खान, नंदिता दास, राहुल खन्ना, रघुवीर यादव, किट्टू गिडवानी और शबाना आजमी मुख्य किरदार में थे। फिल्म को दीपा मेहता ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में पार्टीशन के वक्त की कहानी को बताया गया था। फिल्म में रघुवीर ने हरिया का किरदार निभाया था।